आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चौवक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बाइबल मुकद्दस में आज हम एक हवाला पढ़ेंगे, खुदा के पाक कलाम पाक में से याकूब रसूल का खत निकाले मेरे साथ, उसका पांचवा बाब निकालें। कलाम मुकद्दस में से याकूब रसूल का खत उसका पांचवा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं दो आयात में आपके सामने हूं। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनांचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मैं ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई, खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए वो ये है, इफेक्टिव प्रेयर, मुअस्सर दुआ, यानी वो दुआ जो सुनी जाए, वो दुआ जिसका असर खुदा पर हो, इंसान पर हो ना हो खुदा पर उसका असर हो और खुदा हमारी दुआ को कबूल करे और खुदा हमें उसका जवाब दे और वो दुआ सुनी जाए और हम बरकत पाए। इसलिए और दुआ की बहुत अहमियत है बाइबल मुकद्दस में। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जितने भी नबी पैगंबर रसूल शागिर्द राशवाद ईमानदार पुराने अहदनामा में नए अहदनामा में मुकद्दसीन सब के सब दुआ करते रहे, उनकी दुआया जिंदगी थी, मजबूत दुआया जिंदगी थी। यहां तक हमारे मालिक नजात दिंदा खुदा यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं उसकी सारी जिंदगी दुआया जिंदगी थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब कोई आजमाइश आती यीशु मसीह आजमाइश के वक्त भी दुआ करते गेथसमनी में, और जब रोजा रखा 40 दिन का रोजा था तो साफ ज़ाहिर है खुदा की रफाकत थी और दुआ थी और रोजा था, और जब खास काम खुदा यीशु मसीह करते तो दुआ पहले करते थे। और फिर लिखा है कि वो तन्हाई में भी जाके सारी सारी रात दुआ करते थे, और फिर उसने सलीब पर भी उसकी सारी जिंदगी देखे सलीब पर भी दुआई की क्या बाप इनको मुआफ कर, ये भी दुआ है। फिर जाते हुए आखिरी दुआ आसमान पर जाने से पहले भी अपने लोगों के लिए क्या की, दुआ की, क्या बाप जो तूने मुझे बख्शे हैं उनकी क्या कर हिफाजत कर, अभी खुदा के एक आदम ने नाम भी लिया है। यानी समझ लें कि सारी जिंदगी खिदमत में कलाम और दुआ की खिदमत खुदा यीशु मसीह ने की, तो ये दोनों चीजें इसमें कुवत है, कलाम भी और दुआ भी, और दुआ की बहुत बड़ी अहमियत है। और फिर हम ये भी सीखते हैं कि यहां तक कि बाइबल मुकद्दस में पदेश के चौथे बाब में हम देखते हैं कि सेहत का बेटा नूस, और उस वक्त से ही लिखा है कि लोगों ने यहोवा के नाम से दुआ करने का आगाज किया, अभी शुरू ही से यहोवा का नाम लेके
खुदावंद का नाम लेके दुआ का आगाज किया, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा होगा, बाप से, आदम से, हवा से। जिस तरह हम भी दुआ करना अपने वालदैन से सीखते हैं, जो अच्छे रूहानी वालदैन अपने घरों में दुआ करते हैं, दुआ सिखाते हैं और साथ सबको बिठाते हैं और दुआ में शामिल करते हैं। दुआ की बहुत बड़ी अहमियत है और दुआ मुस्तर दुआ जो है इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है कि हम किस तरह दुआ मुस्तर हो सकती है, इसकी बड़ी बड़ी तरतीब दी गई है, किस तरह दुआ कर सकते हैं। कभी कभी को कल लोग कहते हैं उठ के दुआ करो, खड़े होके दुआ करो। बाइबल में हर तरह से दुआ का जिक्र किया गया, घुटने टेक के, लेट के, खड़े होके, आंखें खोल के, आंखें बंद करके, घुटनों के बल होके, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। दुआ मुख्तलिफ तरीके से की गई है बाइबल मुकद्दस में, लेकिन बाइबल मुकद्दस में किताबें लिखी हैं, लोग बताते हैं किस तरह दुआ सुनी जाएगी, किस तरह मुस्तर होगी, क्या उसका तरीकाकार है, क्या उसकी तरतीब है, क्या उसका आगाज है। लेकिन आज हम खुदावंद यीशु मसीह ही से, जो हमारा पैरोकार है, सीखते हैं कि दुआ की अहमियत, और उसके बाद उससे पहले कि हम ये देखें उसका असर किस तरह होता है, दुआ जो अब कलीसिया के लिए है, ईमानदारों के लिए है, खुदावंद यीशु मसीह जब आता है नए अहदनामा में, तो हम सीखते हैं कि किस तरह मुस्तर दुआ का आगाज ही किया जाए। और इतनी अहमियत है कि शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को एक दफा कहा कि हमें दुआ करना, ये कम लोग हैं मेरी तकरीबन 50 साल खिदमत में कि जब मुझे किसी ने कहा हो ये दुआ करना भी सानू सिखाओ, लेकिन ये शागिर्दों ने कहा, किसको कहा, इसका मतलब ये भी सीखने की जरूरत है ना, जो बाकी चीजें सीखते हैं, प्रश्न सीखते हैं, सीखना है, गाना सीखते हैं, सीखना है, कलाम सुनाना सुनाने के लिए हमें सीखना है, क्यों नहीं सीखना, म्यूजिक बजाना हमें सीखना है, क्यों नहीं सीखना, मीटिंग प्रिसाइड करना भी हमें क्या करना है, सीखना है, कलाम सुनाना भी सीखना है, इल्मुल वाज भी सीखना है, सारी चीजें सीखनी है, अदबोदाब भी हमने सीखने इसके साथ साथ ईमानदारों को दुआ करना सीखना है कि किस तरह दुआ करें, किस तरह आगाज करें। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये को क्या आश्रयों पर बात नहीं है। जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, आप बताएं, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या फरमाया, क्या कहा, जब तुम दुआ करो तो क्या कहो, आगाज कहां से करो, नाम क्या लो, यानी यीशु मसीह ने नए अहदनामा में बाप का मुकाशफा दिया, खुदावंद यीशु मसीह बाप को जो उसकी गोद में था जाहिर करने के लिए इस जमीन पर पैदा हुआ। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जब भी आप पढ़ लें, यीशु मसीह ने खुद भी दुआ की तो उसने कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, ए बाप ये काम कर, बाप बाप, पढ़े बाइबल मुकद्दस को। इसलिए पहली बात जो सीखने वाली है वो ये है कि जब हम दुआ करें तो हम कहें आसमानी बाप, बाप को मुखातिब करें,
क्योंकि ये ऐसा मुबारक रिश्ता है कि जब हम बाप कह के दुआ करते हैं तो आप सोच लें कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ बाप और बेटे का स्टार्ट ही से जुड़ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बाप कह के दुआ की। यीशु मसीह ने कोई अलकाब नहीं लगाए, सफाती नाम है खुदा के, वो हमें करने हैं रिपीट। यस, कंफ्यूजन का शिकार ना हो, वो करने हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कादरे मुझे लश्करों के राह। कभी कभी आप सोचते मेरे साथ एक मेरा शिकिर था, तो एक बंदा दुआ और कुछ नहीं आता था, लश्करों के राह। मैं आपको कुछ कहूं, ये सीखने वाली चीजें हैं। यीशु मसीह ने कोई सफाती और अलखाबी नाम लेके खुदा का दुआ नहीं की। उसने रिश्ता गहरा जाहिर करके कहा, ऐ बाप, तूने ये बातें दनाओं से छुपाई और बच्चों पर क्या कर दी, जब भी दुआ की बाप कह। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुआ के आगाज में बाप कह के उसके बाद उसके अलकाबी सफाती नाम ना ले लें, लेकिन आवाज कहां से करें, ऐ बाप। फिर उसके बीच में सफाती अलकाबी उसकी खूबियों के नाम आप लें। आप सादा मिसाल से हमेशा समझाता हूं, जिस तरह को बच्चे ने कुछ चीज लेनी है तो क्या कहेगा, मामा। फिर क्या कहेगा, बहुत खूबसूरत। और आगे बात बढ़ेगी, मामा आप हमसे बड़ा प्यार करते हैं, मामा आपका खाना बहुत अच्छा है। बराबर आगे खूबियां भी आ गई, सिफतें भी आ गई, बाप को भी आपका डैडा है, पापा, अबू, अबा। तो फिर आप आगे कुछ मांगना, उसकी जो खूबियां हैं वो जाहिर करते हैं और करनी चाहिए। लेकिन जब आप दुआ करें नियत नामा के ईमानदारों के लिए ये शर्फ हासिल है, और मसीह के लोगों के लिए पूरी दुनिया में ये शर्फ हासिल है कि वो खुदा को बाप कह के पुकारे और दुआ मांगे। वो आपका बाप है, जब आप बाप ही कहते हैं आप शादमानी से बढ़ जाते हैं, आपका रिश्ता इतना गहरा, मजबूत, नरम और वफादार रिश्ता बन जाता है, जिसमें वफा है, जिसमें नरमी है, जिसमें तर्स है, जिसमें वफादारी है, बाप जिसमें मोहब्बत है, बाप जिसमें शफकत है। बाप आप शफकत को महसूस करते हैं, आप रहम को महसूस करते हैं, आप प्यार को महसूस करते हैं, आप सलामती को महसूस करते हैं, आप खुशी को महसूस करते हैं। और फिर उसके बाद आप दूसरे अलकाब भी खुदा को दें जो उसके सफाती नाम है। और बाइबल मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं, कलाम मुकद्दस में, खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा, दूसरी बात मुसल दुआ नियत नामा के लोगों के लिए ये भी शर्फ मिला, बाप कह के दुआ का आगाज करें। और दूसरा शर्फ क्या मिला, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील 14:6 लिखा है, राह हक और जिंदगी, और आगे क्या है, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। इसमें कोई इबहाम है इसमें या ना है, कोई चीज, कोई बात नहीं।
कर ले फिर भी ठीक है, ना करें था भी ठीक है, यीशु मसीह के वसीले से कर ले था भी ठीक है, किसी और के वसीले से दुआ कर ले था भी ठीक है। अब मुझे जवाब दें कि ये बात जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है यीशु मसीह ने खुद कहा है, ये अटल है कि नहीं, ये आखिरी है कि नहीं, ये कामिल है कि नहीं, कि मेरे वसीला के बगैर तुम बाप के पास नहीं आ सकते। और फिर अगर और किसी के नाम से आएंगे तो दुआ मुअस्सर नहीं होगी, इसका मतलब यह है किसी और नाम के वसीला से दुआ मांगेंगे तो इसका मतलब है कि दुआ का असर खुदा पर नहीं हो सकता, बाप पर नहीं हो सकता, लोगों पर हो सकता है। आप अपने आप पर कर सकते हैं असर को तारीफ कि मैंने दुआ कर ली है, आप खुद ही महसूस हो सकते हैं कि मैंने दुआ की है फलां के नाम के वसीला से खुदा के बाप, आप खुद ही जाए कर लें तो कर लें, लेकिन खुदा के कलाम में तो ये लिखा है कि मेरे वसीला के बगैर। और फिर यहां तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना 16 बाब उसकी 23-24 आयत में लिखा है, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे, और क्लियर कट यीशु मसीह ने कहा मांगोगे किससे, मेरे नाम से, किससे, बाप से, बाप से मेरे नाम से मांगोगे और वो तुम्हें देगा। और फिर ये इन आयात में ये भी लिखा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगा है, दुआएं मांगी हैं, लेकिन मेरे नाम से नहीं मांगी। अगर मेरे नाम से मांगोगे तो मैं कौमों को तुम्हारी मीरास कर दूंगा। क्लीन लिखा है अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, सीखो मेरे नाम से मांगो, मैं ही वसीला हूं और खुदा आसमान खोल देगा, बाप आसमान खोल देगा। इसलिए मुअस्सर दुआ के लिए जिसका असर खुदा पर हो, लोगों पर आप बड़े बड़े अल्फाज, बड़ी बड़ी मोटी वोकैबुलरी, बड़े बड़े मोटे अल्फाज जो बेचारे थोड़े बड़े लिखे लोगों को समझ भी ना आए, आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं लेकिन खुदा को मुतासर नहीं कर सकते। खुदा मुतासर होता है जब हम उसके बेटे के वसीला से उसकी हजूरी में आते हैं, चाहे वो सादा अल्फाज क्यों ना हो, वो कदर करता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को जो तोतले भी बोले तो उन्हें बड़े प्यारे लगते हैं, बल्कि खुद भी वो तोतली हो जाते हैं। दूध भी बोल देते, माँ और बाप का इतना प्यार है, है? इस तरह हमारा बाप है। हालेलुया, हम तोतले भी होंगे तो खुदा सुन लेगा, हालेलुया, क्योंकि उस पर असर हो जाएगा कि ये मुझसे मांगते हैं और मेरे बेटे के वसीले से आए हैं, चाहे छते भी हो कोई ना नहीं, खुदा पर असर हो जाए। मूसा क्या था दी, हाँ तो जिन पंजाबी छत लगा, मूसा को खुदा ने कितना इस्तेमाल किया, और मूसा खुदा से बातें करता है ना, तेरी 10 काम किसने लिखे, कह जाएगा खुदा लेख
फिर दरांदा भी होना है, पता नहीं उन्हें किस तरह दरांदा आएगा दास क्योंकि उस वक्त हारून उसके साथ दस काम लेने में नहीं था। खुदा इमलाल कहता होगा चल भाई हैं, गैर मबूदों को ना मानना, गैर मबूदों को ना मानना एक में ख्याल फिर उसने तोतली दुकान में आके लोगों को भी बताना है खुदा मन की ये परमात्मा है। खुदा पर असर आपके लिफाफों का नहीं होगा, ये याद रखें। बाइबल मुकद्दस में आपने आयत पढ़ी है याकूब के खत पांचवा बाब 17वीं 18वीं आयत में कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, जिस तरह हमारी नेचर है, फितरत है, हमारी तरह ही वो इंसान था। लिखा है उसने बड़े जोश से दुआ की, मैं ना बरसे, और कितने साल में नहीं बरसा, साढ़े तीन साल है ना। उसकी दुआ का इतना असर हुआ कि फितरी काम गैर फितरी में तब्दील हो गए। ये फितरत है, ये लॉ है कायनात का, वो भी खुदा का ही है, कानून है कि बारिश हो साल में, लेकिन साढ़े तीन साल बारिश नहीं हुई। खुदा जब अपने लोगों की दुआ सुनता है, उस पर असर होता है, तो वो माफ़ुकुल फितरत मौजज़ाना काम करता है जो इंसान की अकल से परे है, जो साइंस की अकल से परे है, ऐसे काम करता है कि साइंसदान भी हैरान हो जाए ये क्या हुआ है, अकलमंद भी हैरान हो जाए ये क्या हुआ है, किताबें लिखने वाले भी हैरान हो जाए ये क्या हुआ है, कायनात का इल्म रखने वाले हैरान हो जाए कि ये क्या हुआ है। हमारा खुदा जिसकी हम पैरवी करते हैं वो माफ़ुकुल फितरत काम करता है। बाइबल में लिखा है कि वो उन चीजों को ऐसे जो चीजें मौजूद ही नहीं, उन चीजों को ऐसे बुला लेता है कि गोया वो मौजूद है। हालेलुया। जब हम उससे दुआ करते हैं तो खुदा मौजज़ात करता है, बफ़ुकुल फितर तरीके से अपने लोगों को क्या देता है, बरकत देता है। हालेलुया। और खुदावन अपने लोगों की दुआओं को क्या करता है। एलिया ने बड़े जोर से दुआ की, जब मैंने इसके मुख्तलिफ वजन और मतन का मुताला किया, ये जोश क्या है, एक तो जोश है ये जिस्मानी, वो भी जोश है, हम बुलंद आवाज से लिखा है गाओ, बुलंद आवाज से हम दुआ कर सकते हैं, गला फाड़ के चिल्ला और दरेग ना कर, हाँ बारे में ये भी एक है, लेकिन यहां यहां जो इसका मतलब था मैंने मुताला किया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो भी है जिस्म का जोश नहीं, बल्कि इसके जो माने मैंने देखे इस मतन में वो लिखा है कि इसका मतलब है एलिया ने बड़े पैशन के साथ दुआ की, जिस्म के साथ दुआ की, एलिया ने सच्चाई से दुआ की, एलिया ने संजीदगी से दुआ की, एलिया ने पूरी तवज्जो से दुआ की, एलिया ने पूरे यकीन के साथ दुआ की। इसका मतलब यह है बड़ी संजीदगी से फोकस करके दुआ की, यकीन के साथ, फिर इसका मतलब है दयानतदारी से उसने दुआ की। तो खुदा ने उसकी दुआ को क्या कर लिया, सुन लिया। अगर हम सिर्फ सिर्फ रस्मी दुआ करें, या वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग
दुआ कर रहे हैं, टीवी पे सुनते हैं, उधर इधर सुनते हैं, हम कभी कभी वो लफ्ज भी क्या करते हैं, क्योंकि अपने होते नहीं, वो अपनाते हैं, है ना। तो जब कोई दुआ करता है तो मैं समझ जाता हूँ ये कहाँ से ये बात आई है, ये भी मैं आपको समझाऊ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। उस दुआ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने वो लफ्जों को क्या किया हुआ है, सुराया सुराया सुराया, असर नहीं है। क्यों ये भी उसे पे दुआ कर देने, असि भी वही लफ्ज इस्तेमाल करिए, असि भी कहाँ गए। लेकिन फिर कई लोग तक यह कलाम भी होता है, चलो होना चाहिए, होता भी है, लेकिन कई तो बिल्कुल तकिया कलाम पर ही तकिया करते हैं, तकिया कलाम पर ही क्या करते हैं, अंदरों जानकारी से, सच्चाई से, संजीदगी से फोकस करके दुआ नहीं निकलती है। जिस तरह मैंने कई बार आपको बताया, आज फिर बता देता हूँ कि जब 71 की जंग लगी हुई थी तो मैं एक मीटिंग में था, शेखुपुरा मक्की गांव था, नाम भी बता देता हूँ, सारे पादरी साहबान थे, मैं भी वहां था, जवान था, तो एक बुजुर्ग ने दुआ किया जो सामने, खुदावन तेरा शुक्र है जंग लगी हुई, खुदावन तेरा शुक्र है बहुत पढ़ रहे हैं, खुदावन तेरा शुक्र है लोग मर रहे हैं। मैं क्या बाबे रन चुप करो, इन्होंने शुक्र कर करके सारा पाकिस्तान ना खत्म कर दिया, ऐसी दुआ का खुदा पर नहीं है सुनते हैं, कईयों ने हैं ऐमी हर गल ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदावंदा खुदा ये बात, खुदावंदा खुदा ये बात, खुदावंदा खुदा ये बात, खुदावंदा खुदा, चलो तकिया कलाम होता ही है, लेकिन एडा ही ना तकिया कलाम के तकिए तो बैठ के सुन दे, उस पर तकिए करना शुरू कर। दुआ का असर जो दिल से निकले, जो सच्चाई से निकले, दिल की गहराइयों से निकले, दयानतदारी के साथ निकले, और खुदा खुद मुतवज्जे हो जाएगा और वो काम करेगा जो इंसान की अकल से बाहर हो जाएंगे, वो काम करेगा। उस दुआ का असर है जो सच्चाई से दुआ होती है, दयानतदारी से दुआ होती है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो क्या लिखा है लूका की इंजील में 22वां बाब, एक दूसरी मिसाल हम देखते हैं, हम मिसालें ये देख रहे हैं कि वो दुआएं जिनका असर हुआ और उनकी उनमें खूबियां क्या थीं, बातें बहुत सारी हैं, मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम चंद बातों पर तो गौर कर सकते हैं। एलिया की मिसाल हमने ली, किस तरह उसने दुआ की, क्यों सुनेंगे, और फिर यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि यीशु मसीह जब आजमाइश के वक्त में गैसमनी में थे तो लफ्ज क्या लिखा है कि उन्होंने बड़ी दिल सोजी से, इंग्लिश वर्जन में वो ही लिखा है, बड़ी ही दयानदारी से सच्चाई से दुआ की, जो दिल सोजी लफ्ज लिखा है उर्दू में, यहां तक गहराई में दिल सोजी से दुआ की के बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे बनकर टक रहा था। यह है दुआ। और लिखा है इब्रानियों के खात में के जाओ, उसने बशरियत के दिन रो रो के और आंसू बहा बहा के उससे दुआ की, इल्तजाए की, जो उसे मौत से बचा सकता था। इस तरह मैं जाता नहीं, आपको मैंने सिखाया और ये कौन सी मौत थी, तो लिखा है खुदा तरफी के सबाब से उसकी सुनी गई, वो मौत नहीं मरा, जो गैसमनी में शैतान मारना चाहता था वो ही मौत मरा है, कफारा देने की जिसके लिए वो पैदा हुआ था। हालेलुया, दिल सोजी से दुआ। और फिर एलिया नबी
कि दुआ में हम ये भी देखते हैं, यकीन था, मैंने आपको बताया लफ्ज। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मांगते हो, मरकुस की इंजील 11:24 में लिखा है, जो दुआ में मांगते हो शाबाश यकीन रखो कि तुम्हें मिल गया। तो फिर आगे क्या लिखा है, फिर मिल जाएगा। ऐसी दुआ खुदा पर असर करती है, ये मुसल दुआ है कि जब हम मांगते हैं बाद में कहें मिल गया, तेरा शुक्र हो हमने पा लिया है। और अगर हमने दुआ की है फिर भी बेयकीनी है, फिर भी बेचैनी है, फिर भी हम दौड़ते भागते हैं, फिर भी हम दुआ करवानी चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, इसे दुआ करवाइए उधर तो यकीन नहीं आया, फिर की कर रहे हैं, अगले को दुआ करवानी है उधर तो भी यकीन नहीं आया, फिर क्या आइए तीसरे को दुआ, यकीन ही नहीं आ रहा, मैं भी कभी उधर जाने कभी उधर जाने कभी उधर जाने, क्यों भी ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं भाई और दुआ करो, क्योंकि यकीन आया नहीं। खुदा मुतासर होता है जब हम यकीन कर ले, जब हम ये यकीन कर ले हमें मिल गया है, तो फिर क्या लिखा है, मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक ही चीज है जो खुदा पसंद नहीं करता वो क्या है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना, ना ना बगैर ईमान के नहीं वो पसंद, बगैर यकीन के वो नहीं पसंद करता। तो आज देखे लोग सुन ले वीडियो के जरिए से पूरे वर्ल्ड में कि जब मांगते हो उससे तो यकीन कर लो कि मिल गया, शुक्र करो, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये बरकत दे दी, तूने मुझे ये बरकत दे दी, तूने मुझे ये बरकत दे दी है, तो फिर आपको बरकत मिल जाएगी, बड़ी सिंपल है। तो जब आप एक से दुआ कराई, एक दिन ये गुजरे नहीं, फिर दूसरे हल दौड़ गए ओदे को दुआ करो, फिर तीसरे पीर को चले गए ओदे को, चौथे पीर को चले गए ओदे को दुआ करो, पंजवे खादम को चढ़ गई ओदे को दुआ करो। दुआ जड़ा कर देना ये बड़ी यदि दुआ च असर जी एदे हाथ च बड़ी शिफा जी हाथी शुभाव नाल परे लेकिन असर किस दुआ का होगा जब यकीन होगा, यकीन करें। और ये बाइबल भरी है जब यीशु मसीह ने बार बार कहा मेरे कलाम का यकीन करो, मेरी बातों का यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो, यही ईमान है और यही मुअस्सर दुआ है कि हम यकीन करें। यीशु मसीह की मिसाल ली, फिर एक हम और मिसाल ले लेते हैं, फिर हम इसे खुदा ने मदद की पाकरू ने और आगे मुकाशवा दिया तो हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। एक और मिसाल ले लें, बड़ी मशहूर दुआ की मिसाल है हन्ना की। हन्ना किसकी वालदा थी, ओके। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कलामे पाक में पहला सैमुअल पहला बाब 13-15 तक लिखा है, जब वो हैकल में आती है हना, उसके औलाद नहीं थी और वो दुआ करती है आके, उस वक्त एली क्या था, काहिन था, एली काहिन के जमाना में हना आके दुआ करती है और एली काहिन दरवाजा पर उसे खड़ा देख रहा था कि ये माई आज क्या कर रही है, क्योंकि तो बाइबल में लिखा है कि हना के सिर्फ ओंट हिल रहे थे, आवाज ही नहीं आ रही, ओंट हिल रहे थे, लेकिन उसने उसे जरा तनकीद का निशाना बनाया
एली काहिन ने, उसने कहा कि तू बहुत नशे में है, हैं? उसने कहा कि मैं नशे में नहीं, मैंने नशा नहीं किया हुआ। और लफ्ज क्या वहां लिखा हुआ है आयात में जो मैंने आपके सामने बताई है, हना कहती है मैं नशे में नहीं हूं, मैंने तो अपना दिल खुदा की हजूरी में उंडेल दिया हुआ है। ये है दुआ जो खुदा पर असर करती है, जो मुअस्सर दुआ है कि ना सिर्फ आप अपना सर झुकाएं, ना सिर्फ आप अपने होंठ खोलें, लेकिन आप अपना दिल उसकी बारगाह में उंडेल दें और खुदा मुतासर होगा और आपकी दुआ को सुन लेगा। ऐसी दुआ है जो खुदा की बारगाह में जब आए तो आप अपना दिल उंडेल दें, ना सिर्फ जिस्म ही हो दिल उंडेले, ना सिर्फ सर झुका हो दिल भी झुका हो। और ऐसी दुआएं खुदा को मुतासर करती हैं, ऐसी दुआ ही मुअसर है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां आज के दिन हम चंद बातें सीख रहे हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन ये मुअसर दुआ है। बरकत लेना चाहते हैं दिल उंडेले। लिखा है खुदा जो आसमान और जमीन में समा नहीं सकता कहां रहता है, शिकस्ता दिल में। क्या लिखा है, शिकस्ता दिल, ऐसा दिल जो शिकस्ता है, ऐसा दिल जो आजिज है, ऐसा दिल जो नरम है, ऐसा दिल जिसमें यकीन है, ऐसा दिल जो टूटा हुआ है इस लिहाज से कि वो नरम दिल है, खुदा की हजूरी में उंडेला हुआ है, उस दिल में खुदा बसता है। हालेलुया। जो आसमानों और जमीनों में समा नहीं सकता है, तो आइए हम क्या करें, दुआ की अहमियत को जानें और सीखें कि दुआ किस तरह करनी है, और सीखें कि इसका आगाज किस तरह करना है, और जानें कि किस तरह हमारी दुआ मुअस्सर हो सकती है, किस तरह खुदा मुतासर हो सकता है। क्योंकि दुआ की तो बहुत बड़ी क्या है, अहमियत है। यहाँ तक हमने बहुत सारी बातें सीखी, आखिर में बताता हूँ अहमियत। लूका की इंजील 19वां बाब 46वें आयत में लिखा है जब खुदा यीशु मसीह हैकल में जाते हैं, लोगों को निकालते हैं और जानवरों को निकालते हैं और दफ्त उल्टा देते हैं, तो वहाँ खुदा यीशु मसीह ये भी कहते हैं के लिखा था कि मेरा घर कौन सा घर होगा, दुआ का घर। दुआ की देखो कैसी अहमियत है कि हैकल, चर्च, कलीसिया, ये दुआ का क्या है, घर है। आइए इसकी अहमियत को जानते हुए हम दुआओं को क्या करें, जारी रखें, शख्सी दुआ को भी जारी रखें। यीशु मसीह ने शख्सी दुआ की, सारी सारी रात दुआ की, अकेले ने दुआ की, तन्हा ने दुआ की, शागिर्दों के साथ दुआ की, गैसमने में ने कहा कि क्या करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में। और यहां यीशु मसीह कहता है कि मेरा घर दुआ का घर, मेरे घर में जब जमा हो दुआ का घर हो, दुआ की जाए। कभी कभी ये भी गलत फहमी का शिकार हैं लोग, तो वो कहते हैं सिर्फ शख्सी दुआ की
की ही अहमियत है, वो है। मैं बार बार कह रहा हूँ शख्सी दुआ करें, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने इसकी अहमियत पर जोर देते हुए ये भी कहा है कि इज्तमाई दुआ करें। जब पाकरू नाजिल हुआ अमाल की किताब दूसरा बाब, लोगों ने तौबा की, पानी का क्या लिया, बपतिस्मा लिया, और हर रोज हैकल में चार काम करते थे। आप बताएं, आपने सीखा हुआ है क्या क्या चार काम थे? दुआ करना, रोटी तोड़ना, रफाकत रखना और तालीम पाना। दुआ, इकट्ठे, इज्तमाई, ये रूहानी जिंदगी का चौथा लंगर है। इसलिए हमने शख्सी दुआ भी करनी है इसकी अहमियत को जानते हुए, और इज्तमाई दुआ भी करनी है इसकी अहमियत से वाकिफ होते हुए। क्योंकि गलतफहमी का कुछ लोग शिकार है, सारे नहीं, वो कहते हैं जी काली दुआ कर लेने, दुआ ही करनी है ना पारी साहब। दावर ये सुनसी ने कहा जी मेरा घर ही दुआ का घर है, इज्तमाई तौर पर ये चौथा लंगर है। फिर ये सुनसी ने कहा जो तुम मुतफिक होके क्या करोगे, जमीन पर बांधोगे, इसका मतलब मांगोगे वो आसमान पर। फिर लिखा जहां दो या तीन मेरे नाम जमा होते हैं मैं वहां। शख्सी दुआ भी करें और लंबी करें। कई लोग ये भी करते हैं शख्सी दुआ, जो मैं अक्सर कहता हूं, अब लोग हंसते हैं मेरे रोहानी फरजंदी भी खादम, मैं कहता हूं जेड़ा चर्च में लंबी दुआ कला करता है, किसी को मौका मिल जाए घर नहीं दुआ करता। आपने लोग को समझ लिया, कहते तुसी सही कहते हो, क्योंकि उन्हें सारे हफ्ते दुआ इतने ही करनी। हाँ, हम शख्सी दुआ भी करें, लेकिन इज्तमाई दुआ की भी बहुत बड़ी क्या है, जरूरत है और अहमियत है। दुआ की इतनी अहमियत है कि जब बाप इजहाक ने याकूब को दुआ दी, तो दुआ जब उसके मुंह से निकल गई, ऐसा हुआ या इन शॉर्ट कहानी से वाकिफ है, उसने कहा कि बाप मुझे दुआ दे, उसने कहा वो मैंने मुंह से निकाल दी, अब वो दुआ नहीं मैं ना वापस ले सकता हूं, इसका मतलब ये है, और ना वो दुआ मैं तुझे दे सकता हूं जो मुंह से निकल गई। अहमियत जरा देखें, और जो दुआ बुजुर्ग इसहाक ने मांगी वो याकूब की नस्लों तक गई। असर देखें इसका, दुआ की अहमियत का असर देखें, और आज तक भी जो बाप याकूब की नस्ल है इस जमीन पर सरफराज है। हालेलुया, इन नस्लों तक इसका असर जाता है मुअस्सर दुआ का, जो जिंदा खुदा के हम मांगते हैं, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे वालदैन दुआ मांगते हैं, उनको मामूली ना समझे। कभी कभी कुछ लोग तो हैं मेरे पास आते हैं, ये बड़े बड़े खादम आते हैं, नाम नहीं लेता, नाम और खादम गवा के कहते हैं हम दुआ करवाने के लिए आए आपसे, हमें दुआ दो, आप बुजुर्ग हैं, हमें दुआ दो, मैं दिल की सच्चाई से उनके लिए दुआ करता हूँ, उन पर हाथ रख के करता हूँ। क्यों? कि वो दुआ की अहमियत से वाकिफ है, नहीं तो कई लोग हैं दुआ की है, कुछ और नहीं दे, दुआ ही नहीं दे रहे। कह रहे दुआ नहीं छो, कुछ और लियाओ। लेकिन दुआ की अहमियत यह है कि जो बुजुर्गों के मुंह से निकल गया वो आपकी नस्लों तक बरकतें जाएंगी, और जो बुजुर्गों ने कुछ दे दिया वो उसके पास नहीं निकल जाएगा। दुआ की अहमियत को जाने, दुआ लेने वाला भी जाने और दुआ देने वाला भी जाने।
इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए मैं आपके लिए हर रोज अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ कि जैसा यीशु ने कहा जो तूने मेरे सपुर्द किए मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। बाकी पे नंबर दो दायरा है, तो मैं आपके लिए एवरीडे मैं और मेरी वाइफ आपके लिए दुआ करते हैं, हर रोज दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ देने वाले को भी अहमियत से वाकिफ होना चाहिए कि मेरा फर्ज है, इसकी अहमियत है, मैं अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, खानदान के लिए मैं दुआ करूं, ताकि जब हम आसमान पर चले जाएं ये दुआ का असर नस्लों तक जाता रहे। दुआ देने वाला और दुआ लेने वाला इसकी अहमियत से वाकिफ हो। आए हम शख्सी दुआ को भी क्या करें, जारी रखें, और इज्तमाई दुआ को भी क्या करें, जारी रखें। और बाइबल मुकद्दस में याकूब ही के खत में लिखा है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, बड़ी अहमियत है, ताकि तुम शिफा हो। यहां हम एक दूसरे के लिए भी दुआ करते हैं, मैं आपके लिए करता हूं, आप मेरे लिए करते हैं। अभी दो दिन मुझे टेलीफोन आए, जो बीमार है यहां नहीं पहुंच सके, उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करना, मैं क्या करूंगा। दुआ की बहुत अहमियत है, दुआ को मामूली ना लें। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दुआ के अल्फाज निकालते हैं, बरकत के अल्फाज निकालते हैं, तो वो असर करते हैं, क्योंकि हम दुआ किसके नाम से करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नाजरी के नाम के वसीला से, और किसके हाँ करते हैं, बाप के सामने, और बाप दुआ को सुनता है यीशु मसीह नाजरी के नाम के वसीला से, और हमें सरफराज करता है। आइए उसकी हजूरी में दुआएं जारी रखें, जिस तरह हमने गीत में भी गाया है, मिलके दुआएं। हाँ, इसकी अपनी ही एक हिकमत खुदा की है, बरकती यीशु नाम में तू मेरी सुनता दुआ, यीशु नाम में सुनता है बाप, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा, उसने वो नाम दिया। और फिर एंड पे कहता हूँ चंद अल्फाज, आपके पास बड़ा शरफ हासिल है, एहसास है कि आप खुदा को बाप कह के पुकारते हैं और दुआ करते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में करते हैं, और खुदा आसमान खोल देता है। आइए दुआओं को हम क्या करें, जारी रखें, शख्सी, खानदानी और कलीसियाई मजमूई इज्तमाई दुआएं हमें क्या करना है, जारी रखनी है। इसके इसमें बड़ी कुवत है, ताकत है, बरकत है, आसमान खुल जाता है। इसलिए हम इसकी हजूरी में दुआ करते हैं, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये रस्म नहीं है, लेकिन हम इसलिए दुआ करते हैं कि आसमानी बाप यीशु के नाम में हमारी दुआओं को सुनता है। गॉड ब्लेस यू, आप खुदावन के बेटे और बेटियां हो, वो आपका आसमानी बाप है, आप यतीम नहीं है, उसने इकलौता बेटा हमें बख्श दिया हुआ है। हालेलुया, वो नाम जो सब नामों से आला है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।